हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। उस दिन मैंने आपको पोयम पहला का पैराग्राफ वन और पैराग्राफ टू का जो क्वेश्चन आंसर पेपर में आता है बोर्ड में, उसको सॉल्व करा दिया था, अच्छा बता भी दिया था। तो आज हम तीसरा पैराग्राफ आपको बताने चल रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए। तीसरा पैराग्राफ है, इनटू द स्टार लाइट डॉट डॉट करके देख रहे हैं ना, और हैप्पी बाई डे यहाँ तक है, और ये 2009 में आया है। तो चलिए, आप पहला क्वेश्चन किस हिसाब से आपसे पूछेगा उसके बारे में हम देखते हैं। तो क्वेश्चन वन देखिए, हाउ माने हाउ डू यू, तुम किस प्रकार, नो माने जानते हो, दैट माने कि, द फाउंटेन माने फब्बारा, इज माने है, ऑलवेज माने हमेशा, हैप्पी माने खुश। कह रहा है कि तुम किस प्रकार जानते हो कि फब्बारा हमेशा खुश रहता है, खुश है। अब दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ से देख रहे हैं ना, विच क्वालिटी, क्या गुण है ऑफ द फाउंटेन, फब्बारे में, अफेक्ट्स द पोएट, पोएट के अनुसार या पोएट क्या प्रभाव, पोएट फब्बारे के माध्यम से क्या प्रभावित करता है या कवि को क्या प्रभावित करता है। चलिए आगे दे। अब तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, तुम क्या समझते हो बाय द वर्ड, शब्द स्प्रे, स्प्रे शब्द से तुम क्या समझते हो, यूज टू इन द पोयम, कविता में। तो अब तीसरा आपका क्वेश्चन हो गया, आगे देखिए। अब आंसर पहले का देखते हैं, ध्यान समझिएगा। द फाउंटेन माने फब्बारा, देख रहे हैं ना, इज माने है, जॉयफुल माने आनंदित, बिजी माने व्यस्त, इन मूविंग माने घूमता रहता है, गत करता है, अप माने ऊपर की तरफ, एंड माने और, अप माने ऑल द होल होल डे, पूरे दिन भर वह क्या काम करता है, लगातार गत करता रहता है, एंड नाइट और रात को भी। इट इंडिकेटेड्स या सूचित करता है या दर्शाता है, दैट कि, इट इज ए ऑलवेज या हमेशा, हमेशा हमेशा या हमेशा क्या करता है, हमेशा हैप्पी खुश रहता है। ये देख रहे हैं ना, हमेशा क्या करता है, हैप्पी खुश रहता है। अब दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, द पोएट माने कवि, अफेक्ट्स माने प्रभावित करता है, मच माने अत्यधिक, विथ द प्लीजर्स आनंद को, ऑफ द फाउंटेन फब्बारा, एज इट इज ऑलवेज और यह हमेशा, हैप्पी प्रसन्न रहता है, इन ऑल कंडीशन सभी दशाओं में, इट स्प्रेस एट, इट स्प्रेस एट 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 मिडनाइट, आधी रात को यह फुहारे की तरह गत करता है, और बाय डे अथवा चाहे दिन हो, इन ऑल डायरेक्शन सभी दिशाओं में, या सभी दिशाओं में चाहे वो दिन हो चाहे रात हो, या हमेशा फुहारे की तरह गत करता रहता है। आगे देखिए तीसरा, ध्यान समझ रहे हैं। तीसरा कह रहा है, स्प्रे सजेस्टिस, स्प्रे शब्द सजेस्टिव माने सुझाव देता है, दैट माने कि, द फाउंटेन माने फब्बारा, स्प्रेड्स माने फैलाता है, इट्स हैपिंग हैप्पीनेस प्रसन्नता को, इन ऑल डायरेक्शन सभी दिशाओं में, मतलब स्प्रे शब्द क्या काम करता है, हमें यह बताता है कि जो इस यह सभी दिशाओं में क्या काम करता है, फब्बारा, स्प्रेड्स माने फैलाता है, हैप्पीनेस माने प्रसन्नता को, इन ऑल डायरेक्शन, मतलब ये सभी दिशाओं में जो फब्बारा होता है वो खुशी और प्रसन्नता को फैलाता है। अब चलिए ध्यान से चौथा पैराग्राफ देखते हैं, ईवर इन मोशन से डॉट डॉट लेकर के, नेवर ए वियरी मतलब कभी नहीं थकता तक है। अब 2014-16-18 में आया, अर्थात ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब ध्यान देते हैं क्वेश्चन वन की तरफ, ध्यान देख रहे हैं क्वेश्चन वन, फ्रॉम विच पोयम हैज द एबव स्टैंजा बीन टेकन, हु इज द ऑथर ऑफ द, मतलब कह रहा है कि यह जो पैराग्राफ है या स्टैंजा जो है किस पार्ट से लिया गया है और कौन इसके लेखक हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डज द फाउंटेन, किस प्रकार फब्बारा, रिमेन माने बनाए रखता है, इन मोशन माने गति को, फब्बारा किस प्रकार गति में रहता है। अब तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, इन विच डायरेक्शन, किस दिशा में, डज द फाउंटेन माने फब्बारा
क्लाइंब माने चढ़ता रहता है, किस दिशा में फव्वारा चढ़ता रहता है। अब आगे देखिए चौथा क्वेश्चन, व्हाट लेसन कैन वी लर्न फ्रॉम द कॉन्स्टेंट ह्यूमन वर्ड मूविंग फाउंटेन। आगे देखिए इसकी हिंदी क्या है, इसकी हिंदी ये है, ध्यान देखिए मैं खसका रहा हूँ ना, लगातार आकाश की ओर उठते हुए फव्वारे से हम क्या सीख सकते हैं। अब चलिए पांचवा क्वेश्चन हम देखते हैं, ध्यान से देखिए, पांचवा है, व्हाई हैज द फाउंटेन किस प्रकार फव्वारा बीन कॉल्ड कहा जाता है, यूर माने हमेशा, इन मोशन किस प्रकार फव्वारा हमेशा गति में कहा जाता है। अब इसका हम छठवां क्वेश्चन देखेंगे, डिस्क्राइब द क्वांटिटीज उसका गुण लिखिए आप फाउंटेन फव्वारे का, एज मेंशन जो मेंशन उल्लेख किया गया है इन द एबव नोटेड स्टैंजा, ऊपर दिए गए पैसेज में कौन से गुण लिखा गया है उसका हमको क्या काम करना है, वर्णन करना है। अब अगला देखिए सातवां क्वेश्चन, पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स द इन द एबव स्टैंजा, मतलब ऊपर दिए गए स्टैंजा में आपको राइमिंग वर्ड का पॉइंट लिखना है, संकेत लिखना है। अब आगे चलिए आंसर नंबर एक देखते हैं, ध्यान समझिएगा, यही है ना, द एबव स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोयम द फाउंटेन, द आथर इसके हैं आथर ऑफ द पोयम ओएस जेम्स रसेल लावेल। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये आपके लिए अगर टफ पड़ता है तो मैं एक मुझबानी अपने मुंह से बोल रहा हूँ, ध्यान समझिए, आप उसको भी लिख सकते हैं, जैसे आप ऐसे लिखिएगा, ध्यान देखिए, दीज पोयम हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, उसके बाद आप पाठ का लेसन का नाम डालेंगे, पाठ का नाम द फाउंटेन, उसके बाद कंपोज्ड बाई जेम्स रसेल लावेल, यही है, इसको भी आप लिख सकते हैं लेसन आंसर नंबर वन का स्थान पे। अब दूसरा उत्तर देखिए, द फाउंटेन माने फव्वारा, रिमेंस माने बनाए रखता है, ब्लिथसम माने एंड चेयरी प्रफुल्लित और प्रसन्न, इन मोशन गति में जो फव्वारा होता है हमेशा प्रफुल्लित और प्रसन्न दिखाई देता है या बनाए रखता है। अब चलिए हम क्या काम करते हैं, तीसरा उत्तर देखते हैं, द फाउंटेन माने फव्वारा, क्लाइंबिक्स माने चढ़ता है, हेवन वर्ड माने स्वर्ग की तरफ, फव्वारा जो होता है वह हमेशा स्वर्ग की तरफ ऊपर चढ़ता है। अब चौथा देख लीजिए उत्तर, वी कैन लर्न हम सीख सकते हैं फ्रॉम द फाउंटेन फव्वारे से, दैट की वी शूड हमें चाहिए आल्सो वर्क काम करना हार्ड कठिन परिश्रम करना कॉन्स्टेंटली दृढ़ रहना टू ए अचीव हाई गोल्स अपने उच्च लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए आप लाइफ जीवन में। चलिए अब आगे हम क्या काम करते हैं, ध्यान से देखिए पांचवा उत्तर देख लीजिए ना, यह लिखा है ना, द फाउंटेन माने फव्वारा हैज बीन कॉल्ड माने कहा जाता है, ईवर माने प्रायः, इन मोशन हमेशा फव्वारा गति में रहता है जो कहा जाता है, बिकॉज क्योंकि इट नेवर यह कभी नहीं स्टॉप्स माने रुकता है, एंड माने और ऑलवेज माने हमेशा, मूव जो माने गति करता है, अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ, हमेशा या ऊपर की तरफ गति करता है। अब चलिए हम छठवां क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं, छठवां देख रहे हैं ना, द क्वालिटी माने गुड ऑफ द फाउंटेन फव्वारे की एज मेंशन उल्लेख किया गया है इन द एबव स्टैंजा, ऊपर दिए गए स्टैंजा में आर। अब चलिए हम आर दिया कौन कौन सी क्वालिटी है, नंबर ए देखते हैं, ए वाला देखिए, ऑलवेज एक्टिव हमेशा एक्टिव रहता है ना। अब दूसरा देख बी वाला देखिए, हैप्पी एंड चीयरफुल हमेशा खुश और प्रफुल्लित रहता है। अब सी वाली क्वालिटी है, गोइंग अपवर्ड हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ता है। और डी है, नेवर टायर्ड कभी थकता नहीं। और अब चलिए सातवां उत्तर देखते हैं, द राइमिंग वर्ड राइमिंग शब्द आर माने है, चियरी माने प्रफुल्ल प्रसन्न होना, एंड अवेरी मतलब होता है कभी जैसे थकना ना हो, ये से ना लगातार प्रफुल्लित रहता है और थकता नहीं है।
अब चलिए हम पांचवा पैराग्राफ देखते हैं। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स से लेकर के डॉट डॉट करके मोशन दाई रेस्ट, गत करना इसका आराम है। यहाँ 2009 में, 12 में, 16 में आया है, तो 20 में आने की संभावनाएं हैं। तो चलिए अब हम पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं, ध्यान समझिएगा। देखिए मेरे दोस्तों, व्हाट इज द कंडीशन, क्या दशा है, स्टेट माने वही, ऑफ द फाउंटेन इन ऑल वेदर्स, सभी मौसमों में जो फव्वारे की क्या दशा होती है। पहला क्वेश्चन आपका हो गया है, अथवा ओआर करके दूसरा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। हाउ डज द फाउंटेन, किस प्रकार फव्वारा लुक माने दिखाई देता है इन ऑल वेदर, सभी मौसमों में। तो आप दोनों क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, हाउ माने किस प्रकार, डज द फाउंटेन फव्वारा मूव माने गत करता है, फव्वारा किस प्रकार गत करता है। अब चलिए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज द पोएट कवि मीन बाय द लाइन मोशन द रेस्ट, मतलब कवि जो है मोशन दाई रेस्ट की शब्द से क्या आशय है, क्या उसका तात्पर्य है। अब चलिए, व्हाट लेसन डज द पोएट वांट टू गिव अस इन द एबव स्टैंजा, मतलब ऊपर दिए गए लेसन के स्टैंजा में हमें क्या शिक्षा मिलती है, कवि के द्वारा इस पंदांश में, इस लेसन में क्या शिक्षा मिलती है। अब आंसर चलिए, नंबर एक आंसर ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान देखिए, बहुत धीरे धीरे हम करेंगे। द फाउंटेन माने फव्वारा, लुक्स माने दिखाई देता है, ग्लैड माने प्रसन्न, इन ऑल वेदर्स माने सभी मौसमों में, सभी मौसमों में फव्वारा प्रसन्न दिखाई देखा देता है। अब चलिए दूसरा उत्तर देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। द फाउंटेन माने फव्वारा, मूव माने गत करता है, अपवर्ड माने ऊपर की तरफ, एंड डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ, फॉर रेस्ट गत के लिए। अब चलिए अब हम क्या काम करते हैं, तीसरा उत्तर देखें, बहुत ध्यान से देखिएगा। द फाउंटेन माने फव्वारा, नेवर माने कभी नहीं, टेक्स माने लेता, रेस्ट माने आराम, इट ऑलवेज या हमेशा, मूव जो माने गत करता है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड चाहे ऊपर की तरफ हो अथवा नीचे की तरफ, इट ऑलवेज या हमेशा, रिमेन्स माने बना रहता है, इन मोशन गति में, अर्थात यह हमेशा गति में बना रहता है। ध्यान से देखिएगा। अब चलिए हम क्या काम करते हैं, चौथा उत्तर देख लीजिए, बहुत ध्यान से देखिए। द पोएट माने कवि, टीचर्स माने बताता है या शिक्षा देता है, अस माने हमें, ऑलवेज माने हमेशा, टू बी एक्टिव, एक्टिव रहना चाहिए, क्रियाशील रहना चाहिए, टू अचीव प्राप्त करना चाहिए, हायर उच्च गोल्स माने लक्ष्य को, ऑफ लाइफ अपने जीवन में। धन्यवाद स्टूडेंट, अब हम आपको